हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एमएसडी करियर मोड इज़ हियर। मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेल रहे हैं हम एजबेस्टन पे, और आई थिंक रियल में भी वर्ल्ड कप में इंडिया इंग्लैंड एजबेस्टन में हुआ था। मतलब करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। मुझे लग रहा है, मैंने देखा नहीं, मुझे ना याद है, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर बताना नहीं तो कहाँ हुआ था अगर मैं गलत हूँ तो। और धोनी भैया टॉस हार गए हैं, पता है ना, हम कैप्टन बन गए थे धोनी भैया, जो जहाँ डिजर्व करते हैं वहाँ, 2-3 एपिसोड पहले। तो चलो भाई, बॉलिंग आई है तो हमको कुछ करना है, सीधा बैटिंग में मिलते हैं। चलो भाई, आ गई है बैटिंग। आई थिंक काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन पर आई है बैटिंग। अराउंड 30 ओवर्स हुई थी भाई, 29.3 ओवर्स। ये बहुत ट्रिकी कंडीशंस में आती है, मतलब ट्रिकी सिचुएशंस में धोनी सर की बैटिंग। और यहाँ पे एज से हम छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल मिला है 160, अभी 151 पूरे चाहिए। तो भाई एज ऑलवेज 1500 लाइक का गोल है, एंड 200 कमेंट्स जो बेस्ट लगता है वीडियो में वो कमेंट कर दिया करो यार, तो पता चले तुम कितना एंगेज रहते हो वीडियो में। भाई कर देना कमेंट, हो जाते 200 कमेंट, अच्छा लगता है। बढ़िया कट भाई, हेलीकॉप्टर कट, दैट्स 4 बोली, सुन रहे हो तुम? बाय द वे साथ में किंग कोहली, हाँ सही बोली वो, दैट्स नियरली अ 4। अबे ये ओवर थ्रो का हमेशा चौका जाता है, आज कैसे नहीं किया? हेलो, साथ में किंग कोहली है, देखो तुम, पूरे 3 रन मिले, क्या रनिंग है भाई। स्क्वायर लेग पे, अरे चौका जा सकता है क्या ये? मैं बोल रहा था भाई स्क्वायर लेग पे सिंगल लेते हैं और ये बाउंड्री तक पहुंच गए, आई थिंक चौका मिल जाएगा, और मिल गया, पैर लगा दिया। थैंक यू बाय द वे गाइस, तुम लोग ने नज़र लगाई, मैंने अभी नोटिस किया कि ये तो साथ में पंत खेल रहा है, देखो ऋषभ लिखा है। कोहली आउट हो गया भाई, क्यों नज़र लगाते हो? वाह भाई, स्क्वायर लेग पे रख के सिंगल ले लिया, फिर से नज़र लगाई भाई, पंत भी आउट हो गया, अब सुंदर आ गया। तो भाई ये छोड़ो, यहाँ पे आपको एक एनालिटिक्स दिख रहा होगा, सही दिखा रहा हूँ ना? हाँ, 64% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो ना यार। 16th में तक 200K करना है मेरे बर्थडे तक, ये तुमने टारगेट एक्सेप्ट किया था भाई, वो भी आउट हो गया, सुंदर भी चल आ गया भाई। कितनी नज़र लगाओगे यार, वैसे टीम खत्म हो जाएगी, अब चल पे मत लगाना, दो बोले 6 रन मारे चल रहे नाइस। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जो अगर रोज़ देखते हो तो नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन दबाओ और मौज करो फिर भाई। बहुत बढ़िया शॉट, शॉट ऑफ द डे के कैंडिडेट वाले शॉट के साथ तुम सिंगल लेते हो, सही है। वाह क्या कट मारा, वाह क्या सीन है, बढ़िया सिंगल। 189 हो गए अभी, कितने चाहिए? बहुत चाहिए, 122 के आसपास, एग्जैक्ट मैच भाई। भाई तुम्हें, तुमने नोटिस किया ये गैप में सिंगल मिलेगा? स्टोक्स आया है, बहुत मार खाया है, 45 खा चुका है 6 ओवर में, और ये साइड की बाउंड्री, एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी, अभी ध्यान से नोटिस करना फील्ड रडार पे। भाई चहल पे भी नज़र लगा दी, अब बुमराह आ गया, बुमराह तो ऑलराउंडर। धोनी भैया का बहुत अच्छा बैकफुट पंच, और पहला चौका नहीं शायद, दूसरा पहला बहुत अच्छा चौका इस बार। तो भाई पूरी शॉट बॉल, और यहाँ बाउंड्री छोटी है, देखो इसका स्ट्रेट मतलब वी पूरा, और ये थोड़ा स्क्वायर्स भी छोटे हैं उस साइड से, वी काफ़ी बड़ा, और स्क्वायर्स तो शायद वैसे ही छोटे ही होंगे ना पूरे, तो बढ़िया, मतलब आई बिलीव इन धोनी सर। देखो वो पीछे कितना छोटा, ये पीछे वाले वी की बात कर रहा हूँ मैं, बाय द वे आर्चर के एंड पे, स्टोक्स के एंड पे वो फ्रंट होगा ना, ये साइड चेंज होती है, तो स्ट्रेट छक्के मारना इजी होगा लास्ट में, और ये जानबूझ के शॉट खेला है परफेक्ट चौके के लिए, पता था इधर बाउंड्री छोटी है। अबे दैट्स 4 बोली भाई, जहर, और बुमराह रन आउट, सब कुछ कर लिया आज हमने, रन आउट भी करवा दिया। अब भाई डाइव मार लेता यार बुमराह, तब भी नहीं पहुंचता यार, पहुंच जाता यार भाई। अब 9 रन, 90 कौन बनाएगा भाई? बहुत अच्छा शॉट है, सिंगल ले लिया, 82 ऑफ 43 बॉल्स कौन मारेगा वो बताओ। एक तो हमने बुमराह था ऑलराउंडर को रनआउट करवा दिया, अब शमी, हार्दिक पंड्या 2.0 है। हाँ लाइव स्ट्रीम्स वालों को याद होगा, तुम आते नहीं लाइव स्ट्रीम पे, अबाउट सेक्शन में देखो, पता चल जाए कब होती लाइव स्ट्रीम। ये तो चौका है, परफेक्ट टेक्निक एंड प्लेसमेंट बोली, मतलब चौका रहे बस, इधर आओ बिठा के ले जाओ, जीतने नहीं वाले। ओ दूसरा भी सेम शॉट, अरे बस अभी ले जाना है, नहीं अभी चांस है, रुको। 74 की 40 बॉल में ओपी शॉट, चलो भाई 6 ओवर में 71, अब तो मारना ही पड़ेगा, चाहे आउट हो या जो भी हो भाई। अब मैंने बताया ना बाउंड्री बहुत छोटी है, सीधा साइड स्क्रीन पे छक्का मारते, 65 मीटर एंड 50 हो गई, 36 बॉल्स 51, आई थिंक बहुत बढ़िया, जिस हिसाब से अपनी टीम की लगे पड़े थे तो बढ़िया है भाई। ये तो कोई भी बाउंड्री पे छक्का भाई, मेलबर्न पे सबसे बड़ी बाउंड्री पे भी 6 होगा मेरे ख्याल से, देख लो 101 मीटर खत्म, इन्ने स्वामी 2 पार हो जाते। अबे बाउंड्री छोटी तब भी 6 नहीं गया ये तो, चलो पीछे वो वाले 101 मीटर में ज़्यादा पावर लग गई तो इसमें, वैसे यहाँ थोड़ी बड़ी है कोई दिक्कत नहीं, चौका मिला कवर्स पे, कोई नो प्रॉब्लम भाई। देख रहे हो बाउंड्री नहीं, मतलब आ रही थी बट एक और चाहिए थी, तो भाई बहुत बढ़िया शॉट मार के जानबूझ के चौका निकाला, इरास्मस कैसे हो
देखो भाई परफेक्टली एकदम जानबूझ के खेला है वैगन का। भाई व्हील देख लो भाई, बहुत बढ़िया है। चक्का मारा एक पॉइंट पे, एक मारा स्ट्रेट, नाइस भाई। इधर तो 1.25 किलो बड़ी बाउंड्री है, दो दो करके निकालो ऐसे चिप कर करके। छक्का नहीं जा रहा इधर, गेंद लाओ भाई तब जाएगा। चलो कोई नहीं, ऐसे क्रैम्प होके पुल कर दिया शॉर्ट आर्म और सिंगल ले लिया शमी। हार्दिक पंड्या 2.2 आउट ना होना भाई, इधर जाएगा ही नहीं, सिक्स चौका ही मुश्किल है, इतनी 1.25 किलो बड़ी बाउंड्री है। देखो चलो दो रन कोई दिक्कत नहीं, 43 चाहिए 25 बॉल में। लास्ट बॉल से सिंगल लेंगे, लास्ट में जो अपने करियर मोड के एपिसोड में जो गलती की वो नहीं करनी। चलो भाई इजी डब, ओ इजी सिंगल डब, तो ये मुश्किल है भाई। 42 चाहिए, 4 ओवर है, गेटेबल है, क्योंकि आर्चर के ओवर में 20 रन आए थे, मौज हो गई थी। वोक्स ने पहले बहुत अच्छी बॉल डाली, पहली बाउंसर फील्ड के हिसाब से और फील्ड साइज के भी हिसाब से, ग्राउंड साइज। इधर स्ट्रेट अभी यॉर्कर दोगे इतनी छोटी बाउंड्री में, धोनी भैया अचार थोड़ी डालेंगे। यॉर्कर भी ये तो फुल टॉस बना के मारा, अभी बॉटम लगी तब 124 मीटर है, मिडल होती सीधा चेन्नई आ जाती बॉल। उसके बाद जो प्रॉपर फुल टॉस थी ना वो हमने मिस कर दी, जिसमें दो भी नहीं मिल सकते क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटी है भाई। रन आउट होते होते बजे कितना क्लोज था ये। एक और सिक्स मार दिया, पिछली बॉल बीट हुए, और तुमने देखा उसकी पिछली बॉल धोनी भाई ने डाइव मारी जो हम बचे, आईपीएल में भी मारी थी अभी, याद है किसी को बताना किसने किसने देखा था, सब नहीं देखा है तो ठीक है तब भी बताने का। ये तो भाई जो कनेक्ट किया, अब लास्ट बॉल में सिंगल लेनी है, गलती नहीं करनी, बस परफेक्टली टाइम सिंगल। दो देने की कोशिश पूरी चल रही है, 2 रन की नहीं लेंगे। 27 चाहिए, 3 ओवर में धोनी है ना ही मारेगा। अबे भाई 1.25 किलो बड़ी बाउंड्री पे छक्का मारने की कोशिश की और कैच छोड़ दिया भाई, सर पे लगी बॉल। आर्चर आर यू ओके, देखना पड़ेगा भाई ये तो, और डायरेक्ट लग गई, शमी रन आउट हो गए क्योंकि 4 भागने थे एनीवे। भाई क्या ही कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ, सबसे बड़ी बाउंड्री पहले मैं 6 मारने गया, बॉल उसने डाली 36, नहीं गया उसके सर पे लगी, उसने थ्रो किया, अब शमी हो गया रन आउट। लेसून गेम क्या देख रहे थे पीछे, ठीक है। ये देखो भाई बढ़िया कनेक्ट की थी हमने तो, बट इतनी बड़ी बाउंड्री पर 6 नहीं जा सकता भाई। उसके बाद मैं देखना ये चाहूँगा, सर पे लगी क्या इसको, ओह शोल्डर पे लगी है, अच्छा फिर चिन पे लगी और उसके बाद नीचे भाई। हेलो आर्चर भाई साहब लगी होगी, ये रिप्ले में थोड़ा एनिमेशन में दिक्कत है, लेकिन देखो शोल्डर पे ही लगी है उसको, उसके चिन पे भी लगी है भाई साहब। भाई 2 लेने पड़ेंगे एंड इट्स नाउ अप टू धोनी भाई, क्योंकि सामने है उमेश यादव जो है बढ़िया बॉलर, बैटिंग नहीं कर सकते भाई। ये क्या 6 मारा है, स्लोवर थी ये, 145 से 130 स्लोवर होती है, पढ़ के यॉर्कर थी, चाहे पैर निकाल के फुल टॉस बनाया भाई, मतलब देखा ही नहीं। वाह धोनी वाह, माही मार रहा भाई धोनी भाई ओपी यार। भाई सिंगल लेने के लिए इतनी अच्छी बॉल मिस करनी पड़ी, अब 15 चाहिए 12 बॉल में, अगर धोनी भाई आउट है मैच खत्म है, सिंगल नहीं लेते उमेश यादव आउट हो जाओ तो खत्म है, तो ज्यादा दुख होता। यहाँ छोटी बाउंड्री है, बस बढ़िया 9 रन चाहिए 11 बॉल में, मजा आने वाला है भाई, ये चेस कर दिया है भाई, सेंचुरी हो गई और क्या सेलिब्रेशन है, वाह देख रहे हो धोनी भाई का सेलिब्रेशन, सेंचुरी का वो मेरे को पता भी नहीं चला। 58 बॉल्स में 105 भाई, मैंने वो भी नहीं देखा इतना जल्दी में, नाइस कैच तक कैरी, ओ नहीं की भाई शिट। 8 रन जी 10 बॉल में, उमेश सिंगल ले लेगा क्या, ओ ले लिया भाई, 7 रन जी 9 बॉल में, अब हो सकता है, अब सिंगल नहीं लेना याद रखना, ये 6 है ना भाई, बाउंड्री छोटी है ना, ओ भाई नियरली भाई, क्या गूज़बम्स वाला मैच हो रहा है ये। अब नहीं लाइक करोगे तो कब करोगे, नहीं किया तो कर दो, इस पे तो 2000 लाइक हो जाने चाहिए यार, क्या शॉट था भाई, अब स्कोर्स लेवल है, बस एक छक्का मार के फिनिश करते हैं। ओ भाई देख रहे हो धोनी सर की क्लास एंड धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल भाई, कंट्रोलर जो फेंक देता हूँ मैं, सॉरी यार सॉरी, लेकिन मैच बहुत बढ़िया था, ये उसने ऐसी बॉल डाली कि कुछ ना कर सके, बट भाई क्लास बोलते एक्सपीरियंस बोलते, देख रहे हो क्या शॉट मार के फिनिश किया, वाह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल।
से मजा ही आ, वन सब कुछ साइडेड। मतलब अरे बदल फटी ही पड़ी गया। थी, इंडिया वन बाय वन विकेट। देखो पहले एक 180 पे छे हो गए थे ना, हाँ 180 पे छे हो गए थे जब वो आ गया था चहल भाई, उसके बाद जीता है। ये तो यादगार एपिसोड रहेगा भाई, बहुत मजा आया मुझे तो खेलने में। आई थिंक आप लोग को देखने में मजा आया, बताना क्या लगा, वो तो कमेंट करना ही है भाई। देख लो नेपो मतलब गेम देख लो कितनी ओपी है। 167 नॉट आउट बनाया जॉनी बेस्टो ने 157 बॉल्स में। उसके सामने हम 180 पे छः थी हमारी टीम, और हमने 7 बॉल पहले 311 का टारगेट चेस किया, और भाई लास्ट 4 विकेट पे 130 के आसपास रन बने, जिसमें से 116 नॉट आउट हमने बनाए भाई 61 बॉल्स में धोनी भाई ने। तब भी मैंने तो मैं जॉनी बेस्टो। ठीक है भाई, नेपो मतलब ओपी गेम। तो भाई यही था एपिसोड के लिए, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ी इनिंग्स थी, मज़ा आया होगा देखने में। नहीं आया आया नहीं आया मतलब जो भी है रिव्यू बताया करो, और बाकी जो अच्छा लगता है वो तो करना ही है कमेंट। तो गाइस एज ऑलवेज 1500 लाइक का गोल, और 200 कमेंट कर देना, और ज़्यादा भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3000 लाइक 400 कमेंट मतलब ठीक है। चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं फिर अपन। अब न्यू स्केड्यूल अबाउट सेक्शन में अभी तक शायद आ गया होगा, मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो अबाउट सेक्शन चेक कर लेना या कम्युनिटी टैब, बाकी फिर उस हिसाब से जब होनी होगी स्ट्रीम उसमें देख लेना। बाकी आरके ब्रो भी मिलता रहेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है वो। चलो बाय।